हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 7, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ है द लार्ज मार्केट इन यूरोप। तो क्लोथ क्या होता है, कपड़ा। तो किस तरीके के कपड़े का बहुत ही बड़ा मार्केट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी किस तरीके के कपड़े की यूरोप में। तो इंडियन क्लोथ्स एंड सिल्क हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। तो यूरोप वाला जो रीजन जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और बहुत सारे इस टाइम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशंस हैं वो आते हैं, इटली वगैरह, वहाँ पर इंडिया के कपड़े की और सिल्क की बहुत ही ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। तो किसकी डिमांड थी, इंडियन क्लोथ एंड सिल्क का बहुत बड़ा मार्केट था। वट इज़ जामदारी, जामदारी क्या होता है। तो जामदानी जो है इज़ अ फाइन मुस्लिन और विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वूवन ऑन द लूम। तो क्या होता है कि जामदानी जो है ना फाइन मुस्लिन होती है। मुस्लिन जो है वो एक तरीके की क्लोथ होता था, मतलब जिसमें डेकोरेटिव मोटिव्स बनाए जाते थे और वूवन ऑन द लूम, मतलब जैसे कि ये कपड़ा है। मोटिव्स क्या होते हैं, मोटिव्स जैसे कि मान लो कि यहाँ पे सब में हाथी, हाथी बना दिया, बंदूक लग रही है वैसे तो ये हाथी बना दिया हर जगह पूरे उस पर, जैसे कि ये कपड़ा है और पूरे पे छोटे 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 हाथी के पैटर्न्स बने हैं, तो वो मोटिव्स होते हैं। तो मोटिव्स बनाए जाते थे जामदारी के कपड़े पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज बांधना, बांधना क्या होता है। द वर्ड बांधना रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड। देखिए बांधना क्या होता है, जो सर पे आप स्कार्फ वगैरह बांधते थे ना, मानते हैं आजकल भी विंटर्स में, उस तरीके के स्कार्फ जैसा एक कपड़ा हुआ करता था जो प्रिंटेड होता था, बहुत ही चमकदार चटकीले रंग होते थे उसमें और बहुत ही सुंदर सा वो लगा करता था, तो वो एक बांधना था। हु आर, नेक्स्ट है हु आर अगारिया, अगारियास कौन थे। तो अगारियाज आर द पीपल फ्रॉम छत्तीसगढ़ हु स्पेशलाइज्ड इन आयरन वर्क। तो अगारिया लोग थे छत्तीसगढ़ के जिनको लोहे का काम काफ़ी अच्छी तरीके से आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द टू मेजर इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। दो सबसे बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन थी जब ब्रिटिश शासन हमारे देश में था तब। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वर टू मेजर इंडस्ट्रीज, नेमली टेक्सटाइल्स एंड आयरन एंड स्टील। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, तो कपड़े की इंडस्ट्रीज थी और आयरन और स्टील की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो ब्रिटिशर्स से उनके टाइम पर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डिड इंग्लैंड बिकेम अ वर्कशॉप ऑफ इंडस्ट्रीज। कब और कैसे इंग्लैंड जो है वो वर्कशॉप ऑफ इंडस्ट्रीज़ बन गया था। वर्कशॉप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मतलब है, मतलब वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगने लगी थी इंग्लैंड में, ऐसा कब हुआ था। तो एक इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ द मैकेनाइज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी एंड इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 1850s। तो देखिए उसको हम लोग क्यों कहते थे कि मैकेनाइज्ड वर्कशॉप ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मशीनों के द्वारा काम किया जाता था। वहाँ पे कपड़े की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बड़ी लग गई थी, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी लग गई थी 1850s के बाद। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशीनें जो थी, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में थी, इसलिए उसे वर्कशॉप ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How do the names of different textile tell us about their histories? तो textiles क्या होता है, textile होता है कपड़ा, तो कपड़ों का जो अलग अलग नाम है वो हमें उनकी history के बारे में कैसे और क्या बताता है। तो इसका answer देखिए कि the European referred all fine textile as muslin। यूरोपियंस जो थे ना, जितने भी फाइन टेक्सटाइल होते थे, जितना भी फाइन टेक्सटाइल का मतलब जितना बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा होता था ना, वो उसको मुस्लिन कहते थे। क्योंकि व्हेन द पोर्टुगीज केम टू इंडिया कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप कॉल्ड एज कैलिकोज डिराइव्ड फ्रॉम कैलिकट अमंगस्ट द पीस ऑर्डर्ड प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड चिंद चिंथ और कोसास और बांधना। तो भाई देख ऐसा होता है ना इसमें कि वहाँ का जो इलाका था ना, उस इलाके से रिलेटेड वहाँ के नाम पड़ जाते थे, जैसे कि मुस्लिन पड़ गया। इसी तरीके से जो है कैलिकोस, क्योंकि वो कलकत्ता से आता था तो वो कपड़े को वो कैलिकोस कहने लगे। इसी तरीके से उन्होंने चिंत हुआ करता था एक कपड़ा, ठीक है, उनसे बोला नहीं जाता था तो वो चिंत कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद ये
कोजाज और ये बांधना, मतलब वहाँ के इलाके जो थे ना, जो एरिया से जो कपड़ा आया करता था उस एरिया के नाम पर मेनली उस कपड़े का नाम भी पड़ जाया करता था. नेक्स्ट है, वाई डिड द वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द अर्ली 18th सेंचुरी. अर्ली 18th सेंचुरी मतलब 1800 के टाइम पे स्टार्टिंग में, तो वूल मतलब ऊन का और सिल्क के जो कपड़ा पैदा करने वाले थे इंग्लैंड में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, विद्रोह किया था कि इंडिया से कपड़ा जो है वो नहीं आना चाहिए. तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, तो इसका आंसर है, देखिए, द वूल एंड द सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन अर्ली 19th सेंचुरी बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी एंड फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. तो देखिए, वूल और सिल्क प्रोड्यूसर जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने इंडिया से आने वाले टेक्सटाइल के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन किया था, क्योंकि इंडिया का जो फाइन कपड़ा था, इंडिया का जो सिल्क कॉटन था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. और इंग्लैंड के जो लोग थे, इंग्लैंड के जो मैन्युफैक्चरर थे, प्रोड्यूसर्स थे, वो इंडिया के लोगों से, इंडिया के कपड़े से कम्पीट ही नहीं कर सकते थे, कॉम्पिटिशन ही नहीं कर सकते थे. इंडिया का कपड़ा इतना अच्छा होता था, तो इसलिए उन्होंने अपने जो क्वीन थी, राजा था वहाँ का, उससे दरख्वास्त लगानी शुरू करी कि भाई इंडिया का कपड़ा बंद करवाओ हम तो, वरना हमारा तो बिजनेस ही नहीं चलेगा. तो यही है इसका आंसर. फिर आगे है, एंड दे वर अनेबल टू कम्पीट विद द इंडियन टेक्सटाइल, सो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वॉन्टेड टू सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. वो इंडियन टेक्सटाइल की एंट्री को ही रोक दें तो उनका बिजनेस तो चलता रहेगा. ऐसा ही उन्होंने फिर करने की कोशिश की थी. नेक्स्ट है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया. तो इन ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप हुई थी, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ब्रिटेन में डेवलप होने से इंडिया के जो लोग हैं उन पर क्या असर पड़ा होगा. तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इस तरीके से. फर्स्ट पॉइंट है, इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट. तो अब इंडियन टेक्सटाइल जो पहले वर्ल्ड की बेस्ट हुआ करती थी, अब उसको जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज लग गई तो उनके साथ कम्पीट करना पड़ा, कॉम्पिटिशन करना पड़ा पूरे यूरोप में और अमेरिका में भी. Exporting textile to England also become difficult since very high duties were imposed on Indian textile imported into Britain. तो मतलब export करना, मतलब अपना माल भेजना भी इंडिया से ब्रिटेन में बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो हमारे कपड़े पर टैक्स बहुत ही ज़्यादा लगाते थे, तो वो कपड़ा बहुत महंगा हो जाता था, महंगी चीज़ें बिकना मुश्किल हो जाता है. तो इस तरीके से उन्होंने रोका. फिर है, thousands of weaver in India became unemployed. क्या इफेक्ट पड़ा इसका, कि हज़ारों जो हैं वीवर्स मतलब बुनकर जो इंडिया में थे उनकी नौकरियां चली गई, अनएम्प्लॉयड हो गए. बाय 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लोथ फ्लडेड इंडियन मार्केट. मतलब 1830s आते आते ब्रिटेन के क्लोथ इंडिया में आने लगे, और पहले सदियों से क्या होता आ रहा था, इंडिया के कपड़े ब्रिटेन में जाया करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी. तो 19th सेंचुरी में इंडिया की जो आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री थी वो उसमें गिरावट आने लगी, डिक्लाइन होने लगा. भाई ऐसा क्यों होने लगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन इन 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में डिक्लाइन होने लगी क्यों, इसका आंसर है, देखिए, द न्यू फॉरेस्ट लॉस प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सो आयरन स्मेल्टर्स वर अनेबल टू फाइंड वुड फॉर चारकोल. तो जो नए फॉरेस्ट लॉस थे उसमें, उसकी वजह से लोग जो हैं अब जंगलों में, रिजर्व फॉरेस्ट में जा नहीं सकते थे. अब आयरन स्मेल्टर्स, स्मेल्ट करने का मतलब होता है आयरन को पिघलाना. अब आयरन को पिघलाने के लिए भाई लकड़ी जलानी पड़ेगी, जो चारकोल होता है कोयला जलाना पड़ेगा, कोयला उनको मिल नहीं पा रहा था, तो भाई वो अपनी आयरन स्मेल्टिंग कैसे करते हैं, तो पहला रीज़न हो गया. फिर है, दीज आयरन स्मेल्टर्स हु गॉट एक्सेस टू फॉरेस्ट हैड टू पे अ वेरी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. अब भाई कुछ लोगों को, कुछ आयरन स्मेल्टर्स को जो अगर जंगल में जाने भी देते थे तो बड़ा ज़्यादा, बहुत ही हाई टैक्स उनको पे करना पड़ता था, तो उनको बड़ा महंगा पड़ रहा था. फिर बाय द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वॉज बींग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन विच लोअर्ड द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाई लोकल स्मेल्टर्स. तो फिर क्या हुआ कि आयरन स्टील सब कुछ क्या कहाँ से आने लगा, ब्रिटेन से आने लगा. फिर इंडिया के, अब इंडिया में जो बन रहा था वो बहुत ही महंगा बन रहा था क्योंकि बड़ा ज़्यादा टैक्स लग रहा था. तो भाई जैसे कॉटन आया, इसी तरीके से आयरन और स्टील भी इंडिया में फ्लड कर दिया गया, मतलब बाढ़ ला दी गई, और इंडिया के जो कारीगर थे, इंडिया के जो स्मेल्टर्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा घाटे में जाने लगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट. तो प्रॉब्लम्स क्या क्या झेलनी पड़ी इंडिया की इंडस्ट्रीज को जो कपड़ा बनानी थी स्टार्टिंग वाले ईयर्स में, वो बताना है हमें. तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये, द प्रॉब्लम्स दैट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेस्ड इन अर्ली ईयर्स में उनकी क्या क्या दिक्कतें हुई थी वो ये हैं. तो आंसर है इसका, देखिए पॉइंट में देखते हैं, इट फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. तो मतलब उसको बड़ा ही मुश्किल लग रहा था जो इतना सस्ता कपड़ा, इतना सस्ता टेक्सटाइल जो था ब्रिटेन से इम्पोर्ट होकर के आ रहा था, उसके साथ कॉम्पिटिशन करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था. इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज़. बहुत सारी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट कर रही थी, तो मतलब इंडिया का जो कपड़ा है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगाया जा रहा था. ठीक है, बट कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज. मगर जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी उन पर टैक्स लगाया जा रहा था, इसलिए वो बाहर नहीं बेच पा रहे थे. और ब्रिटेन वाले क्या करते थे, अपने देश से बिना टैक्स लगाए सस्ता से सस्ता कपड़ा इंडिया में बहुत ज़्यादा भेज रहे थे. तो स्टार्टिंग में इसलिए इंडिया की जो कपड़े की इंडस्ट्रीज थी उन्हें बड़ा ही मुश्किल से जो है वो आगे बढ़ पा रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट हेल्प टिस्को एक्सपेंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो टिस्को जो टाटा स्टील है ना, जो टाटाज हैं, इन्होंने टिस्को ही स्टार्ट करी थी सबसे पहले. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इन लोगों को किस तरीके से हेल्प मिली अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था. तो रीजंस हैं, पॉइंट में देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया हैड प्रोवाइडेड ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स. तो देखिए क्या हुआ था कि हमारे देश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में ख़त्म हो गया था. उस समय पर रेलवेज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमारे देश में रेलवे की लाइनें बिछाई जा रही थी, उसके लिए आयरन एंड स्टील की ज़रूरत पड़ी. तो वो आयरन एंड स्टील कहाँ से आया, टिस्को से आया. फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 द स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप. सो इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील इन टू इंडिया डिक्लाइंड ड्रामेटिकली. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में हुआ था, अब जो ब्रिटेन में स्टील प्रोड्यूस हो रहा था वो ब्रिटेन में जो वेपन्स बन रहे थे, जो हथियार बन रहे थे, उसमें ही इस्तेमाल हो जा रहा था. इंडिया तक पहुंचना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. तो बहुत ही कम इंडिया में आयरन स्टील आ रहा था ब्रिटेन से. तो भाई जो इंडिया में आयरन स्टील बनेगा उसका ही वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे. इससे भी टिस्को को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ. तो रेलवे लाइन बिछाने में टिस्को ने ही सारा का सारा माल सप्लाई करा. नेक्स्ट है पॉइंट, As the war dragged on several years, Tisco had to provide स्टील एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वॉर. तो मतलब शेल्स सारे के सारे डब्बे और जो पहिए हैं सबके सब किसने, टिस्को ने प्रोवाइड करे. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बाय 1919 कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज बाइंग 19% ऑफ स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को. तो टाटा स्टील जो थी 1919 तक आते आते 90% जो स्टील थी टाटा की वो जो है गवर्नमेंट, ये अंग्रेजी बाय कर रहे थे क्योंकि उनको वो ब्रिटेन से नहीं ला पा रहे थे. तो क्वेश्चन आंसर्स हो गए, अब कुछ एमसीक्यूज देखते हैं. तो है, बिफोर 1750 डैश वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड. तो 1750 से पहले जो इंडिया था वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कपड़ा बनाता था. भाई इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, क्योंकि हमारा डोमिनेशन, इंडिया का डोमिनेशन पूरी दुनिया पे था. हम लोग बहुत मसाले एक्सपोर्ट करते थे, कपड़े एक्सपोर्ट करते थे, बहुत ही खूबसूरत सामान हमारे देश में बनाया जाता था और पूरी दुनिया में उसको बेचा जाता था, इसलिए हम वर्ल्ड के लीडर्स थे. तो इंडिया में सबसे इंडिया का कॉटन पूरी दुनिया में जाता था 1750 से पहले. नेक्स्ट है, इंडियन टेक्सटाइल वर रिनाउंड फॉर देयर फाइन क्वालिटी, है ना, फाइन क्वालिटी, एग्जीक्यूटिव क्राफ्टमैनशिप. तो दोनों, इंडिया की जो टेक्सटाइल थी वो फेमस थी फाइन क्वालिटी के लिए, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी, और एग्जीक्यूट क्राफ्टमैनशिप मतलब बहुत ही गजब की उस पर कढ़ाई और काम होता था जो क्राफ्ट्समैन करते थे. नेक्स्ट आता है, यूरोपियन कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन. तो यूरोपियन कंपनीज इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदने लगी, कहाँ बेचने के लिए, यूरोप में बेचने के लिए ऑब्वियसली. पटोला कहाँ पर पहना जाता है, तो पटन पटोला होता है जो कि गुजरात में पहना जाता है पटोला. और वुड्स इज एन एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ, जो वुड्स है वो किसका, उक्कू है उसका. उक्कू एक तरीके का आयरन टाइप का ही होता है, ये एक स्पेशल टाइप का, जैसे तलवार वगैरह वुड स्टील होती है ना, वो एंग्लिसाइज वर्जन है उक्कू का. वुड्स स्टील
उसकी जो तलवारें होती थी वो वर्ड की बेस्ट होती थी, तो उसका एंग्लिसाइज्ड वर्जन है। एंग्लिसाइज्ड वर्जन का मतलब है उन लोगों से हमारी भाषा नहीं बोली जाती। जैसे द आपने सुना होगा मे बी, अभी आपके सब चैप्टर में आया था द वॉर ऑफ वांडीवॉश, तो वांडीवॉश कोई जगह नहीं है, एक्चुअल में उसका नाम वांडीवास है, वांडीवस। वांडीवस उन लोगों से बोला नहीं गया, तो उन्होंने वांडीवस को वांडीवॉश बना दिया। तो आप लोगों से भी अगर कोई बहुत ज़्यादा बोले ना कि प्रोनंसिएशन आपका गलत है, तो देखिए सिंपल सी बात है, हमारी टंग ही अलग है, हमारा खाना पीना उनसे अलग है, तो हम उनकी तरह तो प्रोनंस कर ही नहीं सकते हैं वर्ड्स को, क्योंकि वो लोग चिली बहुत कम खाते हैं, तो उनके में स स ज़्यादा साउंड आती है, वो सांप की तरह स स करते रहते हैं। हम लोग चिली खाते हैं इसलिए हमारी टंग काफ़ी साफ होती है, मसाले क्योंकि इंडिया में ही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए क्या है इंग्लिश जो है वो काफ़ी वेरी करती है। अमेरिकन इंग्लिश में किसी वर्ड को अलग तरीके से बोलते हैं इंग्लिश में, और जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें अलग तरह से बोलते हैं। तो देख लीजिए अगर कोई आपके बहुत ज़्यादा प्रोनंसिएशन पे कमियाँ निकाले तो ऐसा बोल सकते हैं आप उसे। तो वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। थैंक यू।